नमस्कार जी, अभी ये जो मैच होने जा रहा है ये जगतपुर जोगों और सोनीपत की टीम के बीच में ये मैच अभी जो चल रहा है, ये जगतपुर जोगों और सोनीपत की टीम के बीच में हो रहा है। जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ। अभी ये जो मैच है ये जगतपुर जोगों और सोनीपत की टीम के बीच में चल रहा है। एक करणपुर हरियाणा गांव से लाइव है, यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है कबड्डी का, 60 kg वर्ग और ओपन का टूर्नामेंट यहाँ पे है। वहाँ से हम आपको जो है लाइव दिखा रहे हैं। ਹੋਇਆ
आज ते खेड मेले दे सूरजपुर तो साडा भरा अकबाल दे नाल शिमी पूजा बड़ा धन्यवाद है इन्हां भरावां दा हर खेड मेले दे कहिंदे मोढे दे नाल मोढा जोड़ के खड़दे ने बड़ा धन्यवाद इन्हां भरावां दा ते नाल साडा भरा हैप्पी सूरजपुर तो पहुंचा बड़ा धन्यवाद है इस भरा दा बाबा बालकनाथ कर्ण परमणि टीम कट दी जाएगी लास्ट एक मिनट बाकी अज तो खेड मेले के सूरज पर कलावत कवंजा से बड़े माण बुजुर्ग हुए ने बड़ा धन्यवाद है इन्होंने भरावान का सूरज पर कलावती टीम अकबाल के नाल कहते शिवी अपना हुआ साडा बड़ा बड़ा धन्यवाद है ते नाल कहते हैप्पी सूरज परिया साडा भरा पुजे बड़ा धन्यवाद है अज इस खेड मेले से कहते कवंजा सौ के माण बुजुर्ग करते हैं अभी ये जो मैच चल रहा है हाफ टाइम हो चुका है जयपुर जोगा वर्सेस सोनीपत के बीच में मैच है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है जुड़े रहिए आप सभी इस तरफ जो है ये जयपुर जोगों की टीम है और इस तरफ जो ये खिलाड़ी है ये है सोनीपत के अभी ये जो लाइव टूर्नामेंट आप देख रहे हो ये करणपुर गांव हरियाणा से हम लाइव हैं जल्दी तो जल्दी आवे शहीद भगत सिंह के नाल धनास दियां टीमां उस तो अगला मैच ग्राउंड नंबर एक दे विच होवेगा टीमां नोट करना टप्परियां दी टीम ते नाल सोनीपत सोनीपत बी टीम कि ये जो कबड्डी का खेल है इसमें इंजरी होने का डर रहता है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को हम भगवान से
से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को जो है ग्राउंड में इंजरी ना हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को जो है खेलते वक्त इंजरी ना हो, किसी को किसी भी तरह की चोट ना लगे, क्योंकि ये जो कबड्डी का खेल है ये जो है एक जान को जोखिम में डालकर खेलने वाला खेल है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है एक खिलाड़ी के लिए। इसीलिए कहते हैं कि हर खिलाड़ी का रिकॉर्ड करना चाहिए हमें। कबड्डी खेल में मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है, ये बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हैं कि बहुत कठिन जो खेल है ये कबड्डी का। कुश्ती और कबड्डी जो है बहुत ही कठिन जो है खेल है ये। इसके लिए खिलाड़ियों को, पहलवानों को बहुत ज़्यादा वर्जिश करनी पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शहीद भगत सिंह क्लब तनाफी टीम आओ भी हो दो मिनट का समा बेनती है मेरी शहीद भगत सिंह क्लब के तनाफी टीम के दो मिनट का समा राजू साडा भरा नवा शहर तो पुजा है, बड़ा धन्यवाद है मालक ने, कहते बड़ी मेहर बख्शी इन्होंने भरावान ने अज के खेल मेले के चेचे तौर के पुजे ने, बड़ा धन्यवाद इन्होंने भरावान का। आरसी कहते माछी वाला साहब तो राजू साडा भरा नवा शहर तो बड़ा धन्यवाद इन्होंने भरावान का। लाओ सामने मेरे लिए एक नंबर ग्राउंड के बड़ा कहते सिरे का मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान इस वे खेडा जा रहे हैं और कबड्डी पाउंडली नायन कहते इस वे खेल के मैदान के मेरे प्यो और ओवरले पासे मेरे प्यो जाफी इस वे ला टकड़ा जफा अपनी टीम ने पॉइंट का वाधा करके मेरे प्यो जगतपुर जोगों और मुकाबला चल रहा है। लाओ सामने मेरे भी खेल मैदान के बीच इस वे प्यार नाल दोनों टीमों के दरमियान आ खिलाड़ी कहते जगतपुर की धरती है मेरे प्यो इस वे खेड मैदान के मेरे प्यो कबड्डी पा रहे हैं। आ मुंडा कहते सोनीपत को चल के आया है
हरियाणे की कहते बड़ी पावरफुल नगरी है मेरे भी सोनी पादियां गल आई है इस वे नायर कहते कबड्डी पाऊंगी सोनी पादी धरती है खेल मैदान के अगे बल फे है आओ सामने कहते सिरे की टक्कर मेरे पंजाबी दियो पर सामने देखांगे और इधर दो नंबर ग्राउंड मेरे भी एक पासे शहीद आजम सरदार भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब मेरे भी और दूजे पासे कनास पुलिस वाले नहीं घेर लेना दस ऐसा हो सकता कसम दे मेरी गल चल गल कराओ जरा गल करा लो लाओ सामने मेरे भी दो नंबर ग्राउंड के मैच बड़ा सिरे का जोड़ा शुरू जा रहे है पिंड वाले पास मेरे भी शहीद भगत सिंह क्लब के मुंडे आ गए है इसे कहते मेरे भी इलाके के ग्राही खिलाड़ी है और पिंड के ऑपोजिट आप जो नजर मारीे ये मुंडे कहते मेरे भी चंडीगढ़ एरिए धनास पिंड तो का टीम कहते तैयार होकर आई है बड़िया कहते पंजाब नामवर टीम हरियाणे दीम मेरे पंजाबी भी सांझी राजधानी की टीम धनास से एरिए मेरे भी चंडीगढ़ एरिए टीम एक पासे है एक पासे मेरे भी शहीद भगत सिंह क्लब के मुंडे आ गए दो नंबर ग्राउंड के भाई रैफरी सरसन आ जा मेरी बेनती है कोच साहबान दो नंबर ग्राउंड के आ जा बड़ा सिरे का मुकाबला खेला जाएगा मैच था ये जगतपुर जोगो और सोनीपत के बीच में मैच चल रहा था इसमें जो है सोनीपत की टीम जो है विनर रही है सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं